सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कदम उठाया है सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को, जिन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले हैं, इनको लाइफ अगर प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो वो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। आज हमने कहा है कि हम शोकाज नोटिस उनको भेज रहे हैं। अगर ये दोनों ने त्याग पत्र नहीं दिए और या फिर उनको हटाया नहीं गया तो आईओ के साथ हमारे संबंध नहीं रहेंगे। ये जो प्रेसिडेंट जो मुझे बनाया गया या मेरे से पहले जिन लोगों को बनाया गया, उन लोगों की कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी उपलब्धियां रही है। मैंने जो रिएक्शन देखा सरकार की तरफ से, खास करके जो विजय गोयल जी का जो रिएक्शन था इस पे, बड़ी हैरानी की बात थी। वो ये कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस हैं। मेरे खिलाफ जो मुकदमा है आज की तारीख में वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है। कांग्रेस की सरकार द्वेष भावना से कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कराएगी। ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं। और जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, मेरा जो जीवन रहा है, बहुत लंबे समय तक मैं स्वयं खिलाड़ी रहा और उसके साथ साथ हमने अपनी गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि जिसकी वजह से आज मेडल आने शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के समय में ही कलमाड़ी जी को सीडब्ल्यूसी के चेयरमैनशिप से हमने हटाया, सीबीआई के केसेस करे, जेल में गए, और अब जो लोग आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे उन्हीं के समय पे उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये कैसे इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं?